जैन साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज दोस्तों बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के बारे में। आपके दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ये 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स। आपका जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग में ये सब गलती आप ना करें। हम दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे आपके पास दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों हम इस पेज पे यहाँ पे आ गए फ्रेंड्स। ऊपर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती, ये डॉक्यूमेंट है बहुत ही जरूरी। दोस्तों मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन काउंसलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, जितने भी मेरे फ्रेंड्स इसमें पास हुए हैं, जितने भी अच्छे मार्क्स हैं जिनके, उनको बेस्ट ऑफ लक गाइस। आगे के लिए आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जब होगी उसके लिए आपको मैं पहले ही मतलब बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। आप अच्छे से ये सब करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में देखिए नंबर 1 पे गाइस एप्लीकेशन फॉर्म। जब दोस्तों आपने फॉर्म फिलअप किया था दोस्तों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा या फिर आपके पास नहीं है फ्रेंड्स, आप आराम से साइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए दोस्तों, और आपका जो क्या कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है। जब फ्रेंड्स आपने 10+2 पास किया होगा दोस्तों, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूर मिला होगा, आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना भाई जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा 10+2 की मार्कशीट और करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन मार्कशीट डिग्री। फ्रेंड्स आपके पास जो अपने कौन सी डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए बीटेक जो भी अपने कर रखा दोस्तों, आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। या फिर दोस्तों डिग्री जो होती है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कई स्टूडेंट के पास नहीं होगी, तो फ्रेंड्स आपके पास प्रिविजनल आपको जो मिलता है, जो दोस्तों 6 मंथ के लिए वैलिड होती है प्रिविजनल, जो आपकी मार्कशीट होती है आपके पास वो हो, वो भी चल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास मार्कशीट या फिर डिग्री नहीं है दोस्तों, आपके पास प्रिविजनल आपके पास घर पे होगा, वो भी आप दिखा के अपना आराम से करवा सकते हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे ट्रेनिंग मार्कशीट सर्टिफिकेट। आपने फ्रेंड्स जो भी बीएड कर रखी है, फिर कोई भी अपनी डिग्री कर रखी होगी, अपने मतलब मास्टर डिग्री जो होती है उसकी, क्या आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर मार्कशीट आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूपी टेट सीटेट मार्कशीट। आपने आपके पास दोस्तों सीटेट या फिर यूपी टेट की मार्कशीट आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। आपका 2018 में जो सीटेट या यूपी टेट हुआ था दोस्तों, उसकी आपके पास जरूरी होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीटेट या फिर यूपी टेट के मतलब मार्कशीट में आपके पास जरूर होगी, आपको ये भी आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं और दोस्तों 6 नंबर की बात करते हैं फ्रेंड मेडिकल सर्टिफिकेट। आपके पास दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य है भाई। आपके पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज आप बनवा लीजिएगा, आप किसी मेडिकल में जाके आराम से बनवा सकते हो। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। आगे चलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी होना जरूरी है भाई। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बनता है, सो प्लीज बनवा लीजिएगा। जिनके पास नहीं है आई थिंक सबके पास होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे पता है। सो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट। आपकी दोस्तों क्या कास्ट है, आप एससी बीसी या फिर जनरल किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना भी बहुत ही जरूरी है, ये मतलब बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं आईडी प्रूफ। दोस्तों बात करते हैं कि आईडी प्रूफ के बारे में फ्रेंड्स, आपके पास पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये नहीं कि आपके पास तीनों होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हो वही भी आपका चल जाएगा। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में आईडी प्रूफ के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों बात करें 2 पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों आपके पास 2 फोटो होने चाहिए ओनली, ये नहीं कि 10 फोटो होने चाहिए, ठीक है। आपके पास 2 फोटो होने चाहिए, फोटो होना चाहिए उनका कलर, ठीक है। ये नहीं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मतलब वहां पे लगाओ ऑनलाइन में, ठीक है, तो ऐसा ना करना। 2 फोटो आपके पास होने चाहिए, कलर फोटो। और गाइस यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो सही है, जिनके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप टेंशन ना लें इस बात की। इनकम सर्टिफिकेट है भी मतलब है तो भाई लगवा दीजिएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात आती है बैंक ड्राफ्ट के बारे में, देखिए दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको बैंक ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है भाई। कई वीडियो बन रही है यूट्यूब पे कि बैंक ड्राफ्ट चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग आराम से हो जाएगी, बैंक ड्राफ्ट के बिना आपका ऑनलाइन चार्ज वहां से कट जाएगा, ठीक है। आपको फिर भी कुछ डाउट आता है, कुछ भी आपको मुझसे बात पूछनी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% दोस्तों रिप्लाई दूंगा। आपको दोस्तों वीडियो के नीचे का ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब लिखा हुआ उसके ऊपर, आपको गाइस इस पे क्लिक कर देना। सो प्लीज गाइस जितना हो सके भाई को सपोर्ट करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो भाई। मैं देखिए चैनल आपके लिए बनाया, सो प्लीज आप सबकी हेल्प के लिए बनाया। सो प्लीज गाइज आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज गाइज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको मुझसे बात पूछनी हो किसी भी भर्ती के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा दोस्तों। एंड गाइज थैंक यू सो मच।